हॉटेल्स मंगल कार्यालय येथून निघणारा ओला कचरा, घनकचरा, वेस्टेज यांची विल्हेवाट लावण्याचं मोठं आव्हान आहे. याचा सदुपयोग केल्यास बायोगॅस निर्मिती करून इंधनाची बचत करण्यात येते. नंदकिशोर गांधी यांनी बायोगॅस निर्मितीचा यशस्वी प्रयोग केलाय. या संदर्भात महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना त्यांनी प्रात्यक्षिक दाखवलं. ओला कचरा व पाणी याच्या मिश्रणातून गॅस निर्मिती, शिवाय त्यातून निघणाऱ्या सेंद्रिय खतातून भाजीपाल्याचं उत्पादनही त्यांनी घेतलंय. कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी, घनकचरा, ओला कचरा हा डोकेदुखी बनत चालला आहे. या कचऱ्याचा उपयोग करून घनकचऱ्यातील ओल्या कचऱ्यावर नंदकिशोर गांधी यांनी बायोगॅस तयार केलाय. महानगरपालिकेने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरता प्रोसेसिंग युनिट तयार केलं आहे. या संबंधी शहरातील मंगल कार्यालय हॉटेल मालकांशी चर्चा करण्यात आली आहे. दुर्गा विहार येथील गोविंद अपार्टमेंट मध्ये नंदकिशोर गांधी यांचं निवासस्थान आहे. त्यांनी स्वतःच्या घराच्या छतावर बायोगॅस युनिट तयार केलंय. त्यामध्ये ओला कचरा व पाणी टाकून 12 तासांमध्ये गॅस तयार करण्यात येतो, ज्यामधून गॅस निर्मिती होऊन एका वेळचे भोजन तयार होते. याच मशीन मधून निघालेले पाणी सेंद्रिय खत म्हणून छतावर वाफे तयार करण्यात आले आहे. या वाफ्यांमध्ये पालक भाजीचं उत्पादन घेतलं जात आहे. अशा प्रकारे महानगरपालिका ही शहरातील ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार करेल. ये बायोगॅस के अंदर हमारे घर में का जो भी गीला कचरा है हम उसके अंदर डालने से जो हम बाहर फेंकते थे वो बाहर न फेंकते हुए इस कचरे से हम गैस तैयार कर रहे हैं. और ये गैस हमारे को जो हम जो गीला कचरा फेंक रहे थे उसी से एक टाइम का खाना हमारे यहाँ पे तैयार हो जाता है. और उसके वजह से हमारी गैस की तो बचत हो जाती है, साथ में हमारी जो स्वच्छता है वो पूरी तरह से इसका निर्मूलन हो जाता है. साथ में इसका जो पानी जो प्रोसेस होने के बाद में जो पानी रहता है, इसके वजह से हमने यहाँ पे आप देख सकते हो टेरेस गार्डन तैयार किया है. और ये टेरेस गार्डन पे हम ऑर्गेनिक खेती तैयार कर रहे हैं, जैसे पालक, मेथी, संभार, करेला, भिंडी, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे विविध प्रकार के हम सब्जियां भी ले रहे हैं. और वही सब्जियां हम घर पे बहुत अच्छी तरह से खा रहे हैं और वो शुद्ध है, ऑर्गेनिक है. और इसके वजह से जो हमारा गीला कचरा जो जा रहा था उसके वजह से गैस भी बन रहा है और साथ ही साथ हमारे जो पानी का उपयोग होके एक खाद के रूप में वो हमारे को काम में आ रहा है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक खेती भी तैयार कर रहे हैं. इस तरह से हमने टेरेस गार्डन तैयार किया. पूरे 12 घंटे से 18 घंटे जो उसके प्रोसेस होने को जो समय लगता है उसमें गैस तैयार हो जाता है. इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 2 से 2.5 किलो. और ये हम 4 मेंबर होने की वजह से 1000 लीटर का यहाँ पे ये प्लांट बैठाया है. और ये 1000 लीटर का प्लांट हमारे को एक टाइम का खाना देता है. जो भी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भी क्यों ना बचे हम इसके अंदर डाल देते. ये हम इसको डस्टबिन बोलते हैं, डोमेस्टिक डस्टबिन. जो हम बाहर जो हम डस्टबिन में डालते हैं वो बाहर चला जाता कचरा. ये कचरे से हम, ये घन कचरे से हम धन कचरा बोल सकते उसको. इससे हमारे को कुछ आवक ही मिल रही है और स्वच्छता के ऊपर काम हो जाता है. याचं प्रात्यक्षिक नंदकिशोर गांधी यांनी दिलं. यावेळी अतिरिक्त मनपा आयुक्त सोमनाथ शेटे, नंदकिशोर गांधी, सहायक आयुक्त सोनाली जाधव, जनसंपर्क अधिकारी पुसतकर, आरोग्य निरीक्षक अरुण तिजारे सहारे आदी उपस्थित होते.